तो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल आई टी हैकर। दोस्तों आज की इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले, अगर आपके पास भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है और आप लोग उसको परमानेंटली क्लोज करना चाहते हैं तो आप लोग कैसे कर पाएंगे। आज की इस वाले वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, सारी चीज़ लाइव प्रूफ करके आपको समझाने वाले हैं। ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पर कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, एकदम क्लियर टू कट बोल रहा हूँ, शुरू में ही बोल रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप लोग ऑनलाइन तरीका देखने आओ तो भाई कोई बात नहीं, वीडियो छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन कोई भी तरीका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का बैंक अकाउंट क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए नहीं है। ठीक है, और बैंक्स का हो सकता है लेकिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नहीं है। तो अगर अब आपको आगे प्रोसेस जानना है कि कैसे होगा तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। उसके लिए आपको ऑफलाइन तरीका अपनाना होगा, लेकिन क्या करना होगा वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्लोज फॉर्म इस तरीके से गूगल पर सर्च करके आपको देखना है और आपको मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कुछ इस प्रकार से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये फॉर्म 4 नाम से एक आएगा। दो फॉर्म एक्चुअली यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोवाइड कराए जाते हैं। कई कई जो ब्रांचेस हैं, शाखा है, वहाँ पर ये एनेक्सर वो 10.1 दिया जाता है आपको अपना अकाउंट क्लोज करने के लिए। कहीं कहीं पे ये फॉर्म 4 दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों में से आपको जो भी मिलेगा आप इसको फिल कर लेना। मैं आपको दोनों फॉर्म को ओपन करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्म 4 को दिखाने वाला हूँ। तो ये हो गया पहला तरीका, जो कि है फॉर्म 4 के जरिए आप लोग यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट क्लोज कर पाएंगे। तो यहाँ पर जब भी आप अपने बैंक अकाउंट में जाएंगे तो वो लोग आपसे दो चीज़ बोल सकते हैं। पहला कि आप लेटर लिखिए बैंक अकाउंट क्लोज करने के लिए, या तो वो इस तरीके का आपको एक फॉर्म दे देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने ब्रांच का नाम देना है, जैसे कि हमारा जो ब्रांच है उसका नाम है मेहनगर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट देना है, जो आपका अकाउंट का नंबर है 15 अंकों का होता है वो देना है, जो कि 3-5 इस तरीके से स्टार्ट रहता है। ठीक है, उसके बाद इस साइड में आपको डेट देना है, जिस डेट में आप ये वाला फॉर्म बैंक में सबमिट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस तरीके से ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पर आपको दोबारा से अपना अकाउंट नंबर देना होगा, यहाँ पर आपको अपना नाम देना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो अगर आपके पास कोई भी चेकबुक है, ये सारी चीज़ें, तो उसको आपको क्या करना है, वहीं पर जमा करवा देना होगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर आप लोग माइनर हो और माइनर ही अपना अकाउंट बंद करवाना चाहते हो, मतलब आपने अकाउंट खुलवाया था 15 साल या 16 साल की एज में और आप 17 साल की एज में बंद करवाना चाहते हो, तो फिर यहाँ पर आपको चीज़ें जो है वो देनी पड़ेंगी। यहाँ बैंक में आप पूछ के दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आप जो अकाउंटेंट है जिसके नाम का अकाउंट है उसको यहाँ पर साइन करना पड़ेगा, सिग्नेचर करना पड़ेगा, बस इतना ही करना है। बाकी जो नीचे की चीज़ें हैं ये बैंक वाले करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। ठीक है, जो कि आपका पेमेंट ऑर्डर रहेगा। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपके अकाउंट में मान लीजिए पैसे हैं 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख, 2 लाख, तो वो पैसे कैसे मिलेंगे आपको, क्योंकि आप तो अकाउंट बंद करवाना जा रहे हो, तो वो पैसे आपको वो लोग कैश में देंगे, तुरंत के तुरंत देंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला तरीका जो फॉर्म 4 के जरिए आप लोग अपना अकाउंट क्लोज करवा सकते हो। अब चलिए हम बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो कि है एनेक्सर 10.1 ये वाले फॉर्म के जरिए। तो इसको आपको मैं डाउनलोड करके ओपन करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर आपको देखिए अब ये वाला मिल गया फॉर्म आपको 10.1 वाला। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा ऊपर में यहाँ पर आपको डेट देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लोजर इनिशिएशन बाय किसके द्वारा किया जा रहा है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो फिर यहाँ आपको अपना जो ब्रांच का नाम है वो देना है। डियर सर, डियर मैडम इस तरीके से है, तो आपको अब अपना डिटेल्स पूरा देना है। ठीक है, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि आपका जो यहाँ पर नाम है वो देना पड़ेगा इस वाले लाइन में। ठीक, अगर यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट है तो सेकंड होल्डर, थर्ड होल्डर इस तरीके से भी नाम आपको देना पड़ सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर वही सारी चीज़ें हैं जैसे कि उस वाले फॉर्म में थी वैसे यहाँ पर भी है, जो जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हो वो दे देना है। जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ पूछ रहा है रीज़न फॉर क्लोजिंग द अकाउंट, तो आप कुछ भी दे सकते हैं कि टू मेनी अकाउंट्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसके सामने। इसके बाद यहाँ पर अपना सिटी, यहाँ पर एड्रेस, यहाँ पर स्टेट, इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको भर देनी है। बाकी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये जो आपका एक्नॉलेजमेंट, बाकी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो डिक्लेरेशन है वो सारी चीज़ें आप देख पाएंगे, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एकदम लास्ट में लाके इस तरीके से आपको पूरा सारी चीज़ दिया जाता है। मैं आपको बता दूं ये वाला फॉर्म बहुत कम यूज होता है, जो एनेक्सर 10.1 वाला है, ज़्यादातर अभी अपडेटेड वाला यही वाला इस्तेमाल होता है फॉर्म 4, और कहीं कहीं तो ये कुछ नहीं इस्तेमाल होता है। सबसे अच्छा यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि हमें आप लोग एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए। तो एप्लीकेशन कैसा लिखना चलिए मैं आपको बता देता हूँ सारा चीज़ एकदम डिटेल में। तो आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ एक मैं चीज़ आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब ऐसे लिखिए यहाँ पर ChatGPT, आपको मैं ऑनलाइन एकदम एप्लीकेशन लिखना बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला आपको ओपन कर लेना है वेबसाइट ChatGPT वाला। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम मैसेज वाले में यहाँ पर टाइप करते हैं राइट अ एप्लीकेशन टू ब्रांच मैनेजर, इस तरीके से आपको लिखना है फॉर क्लोजिंग
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, ठीक है। और इस तरीके से आपको लिख के सेंड करना है। जैसे आप सेंड करेंगे यहाँ पर आप देखिए कुछ इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए आपको क्या करना है, मेल कैसे, सॉरी आपको एप्लीकेशन कैसे लिखना है। एक सादा पेज लेना है A4 साइज का। अब उस पर कैसे लिखना है, आपका नाम, आपका एड्रेस, सिटी, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट। यहाँ पे लिखना है द ब्रांच मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच का एड्रेस जो कि आपका होगा, ब्रांच जहाँ पे होती है वहाँ का नाम होता है, जैसे कि जो भी सिटी होगा उसका नाम देते हैं, उसका स्टेट, पिन कोड देते हैं। सब्जेक्ट इस तरीके से आप डालेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर क्लोजिंग बैंक अकाउंट। उसके बाद यहाँ पर आपको डियर सर मैडम इस तरीके से देना है, ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई है ऐसे ही छाप देना है एज इट इज। अकाउंट होल्डर नेम में यहाँ पर योर नेम की जगह आपका नाम, योर अकाउंट की जगह आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है। फिर से ये सारी जो चीज़ें दिख रही हैं इसी तरीके से एकदम डिट्टो आपको छाप देनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं थैंक यू फॉर योर असिस्टेंट, सिंसियरली के नीचे आपको अपना नाम देना है, यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है। इसको क्या करना है, आपको पेन से, या तो फिर आप प्रिंट भी कर सकते हैं इसको, पेन से आप A4 साइज़ का जो पेपर आता है वाइट, जिस पे आप फोटो स्टेट करवाते हैं, फोटो कॉपी करवाते हैं, उस पर लिख के बैंक में दे देना है। इसके साथ आपको अपनी आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी, अपने बैंक का पासबुक का फ़ोटो कॉपी, ये सारी चीज़ें भी देनी पड़ेंगी। और आपका जो बैंक अकाउंट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, उसको परमानेंटली क्लोज कर दिया जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 से 4 तरीके बता दिए हैं, 3 तरीके लगभग बता दिए हैं। पहला फॉर्म 4 के जरिए, दूसरा Annexer 10.1 के जरिए, तीसरा ChatGPT के जरिए, जो कि आपको फॉर्म लिखने के लिए अगर बोल रहे हैं, कोई कोई ब्रांच वाले बोलते हैं कि आप एप्लीकेशन लिख के लाइए, तो जब आपको लिखने के लिए बोलेंगे तो मैंने आपको ChatGPT वाला प्रोसेस बता दिया, वहाँ से आप एप्लीकेशन लिखिए और उसको सबमिट करिए ब्रांच में, आपका जो बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से आपको सारी चीज़ करनी है। उम्मीद करते हैं कि मैंने आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दे दी है। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कुछ और चीज़ एक्स्ट्रा पूछते हो, कमेंट करिए। आज की इस वाले वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बस, थैंक यू।